समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का सोमवार को मेदांता हॉस्पिटल में निधन हो गया। आपको बता दें, इससे पूरे परिवार सहित पूरे उत्तर प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन में कई महत्वपूर्ण पदभार संभाले थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक का ऐलान भी कर दिया गया है। नेताजी के निधन से आगरा में भी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। सोमवार सुबह समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने जैसे ही मेदांता हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली, समूचे भारत के साथ आगरा में भी शोक में डूब गया। उनकी एक झलक पाने के लिए एक्सप्रेसवे पर सुबह से ही लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। नम आंखों से लाखों की संख्या में लोग अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए कई घंटों तक उनके इंतजार में खड़े रहे। समाजवादी पार्टी से जुड़े आगरा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की आंखें नम दिखी और इसी नम आंखों से आपको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज सुबह जिस तरीके से हम सब के नेता धरती पुत्र श्री मुलायम सिंह यादव जी की सूचना मिली, सभी समाजवादियों में दुख की लहर दौड़ गई। ये समाजवादियों पे इससे बड़े दुख की घड़ी कभी नहीं आ सकती। हर समाजवादी की आंखें नम है अपने नेता के लिए, जिस नेता ने हमेशा सभी समाजवादियों को दिल से प्यार और आशीर्वाद देने का काम करा, सबको स्नेह देने का काम किया। आज ऐसे नेताजी, हम सब के नेताजी आज हम सबको छोड़कर चले गए, इसकी बहुत दुख, हम सब लोगों को बहुत दुख है अपने नेताजी के चले जाने से। आज नेताजी के जाने पर इतना कहूँगी कि आज देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि नेताजी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि जनता ने उनको नेता बनाया। और सुभाष चंद्र बोस की बात, अगर किसी को नेताजी का नाम मिला तो माननीय मुलायम सिंह यादव नेताजी को मिला। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के निधन की सुनकर बड़ा दुख हुआ। और क्योंकि नेताजी मुलायम सिंह यादव जी हमेशा उन्होंने दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ी, सही मायने में पक्की समाजवादी। समाजवादी पार्टी को अपने मार्गदर्शन से बुलंदियों पर ले जाने वाले मुलायम सिंह यादव अपने उत्तर प्रदेश को शोक में डूबा कर हमेशा के लिए चले गए हैं। एक वोट एक नोट के नारे को देकर घंटों को साइकिल चलाकर पर्चे बांटने वाले नेताओं में से एक, नेताजी हमेशा आने वाले हर नेता के लिए एक मार्गदर्शन का काम करेंगे। सी न्यूज के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।